सो हाय गाइस, दिस इज सूरज एंड यू वॉचिंग केमिस्ट्रीज मिस्ट्री। तो आज का हमारा टॉपिक है फेनेंथ्रीन। ठीक है, तो फेनेंथ्रीन होता है। तो फेनेंथ्रीन क्या होता है, पहले इससे स्टार्ट करना, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने नेफ्थ्रीन और एंथ्रीसिन के बारे में बता चुका हूँ। तो अगर आपको, आपने तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देख सकते हैं पहले। ठीक है, तो अब देखते हैं फेनेंथ्रीन क्या होता है। फेनेंथ्रीन क्या होता है कि बेंजीन की रिंग होती है, बेंजीन की रिंग जब एक दूसरे से कनेक्ट होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर होगा तो इसे छोड़ के यहाँ पर आएगा एक यहाँ पर। ठीक है, तो ये होता हमारा फेनेंथ्रीन। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग करते हैं, जिसकी पोजिशनिंग करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और टेन। ठीक है, तो ये है हमारा फेनेंथ्रीन कंपाउंड। तो फेनेंथ्रीन क्या, फेनेंथ्रीन के बारे में जानने से पहले, ये होता है एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर हो गया और कंजुकेशन होगी, यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे हर जगह, सॉरी पी ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे पी ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल होगा, तो कॉन्जुकेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और फिर हकल सुबिल का 4n+2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं, 7, 7 14 है, 7 2 14, तो बन जाएगा 4n+2 14 है, तो क्या जाएगा 4 3 12 + 2, तो कितने हो गए, 12 pi इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने 12 pi इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, और क्या होता है, ये जो होता है, ये फ्लोरेसेंस देता है। देने का मतलब क्या है, जब इसमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो ये क्या करता है, तुरंत ब्लू कलर की लाइट रिलीज़ करता है। अब फ्लोर दो होते हैं इसमें, एक होता है फ्लोरेसेंस, एक होता है फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस में जब बेसिकली होता है, तो होता क्या है इसमें, फ्लोरेसेंस में क्या है, हम कुछ एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होता है, वो जो कंपाउंड होता है वो तुरंत हमें कुछ कलर, कोई ऐसी कलर की लाइट देता है। ठीक है, और फॉस्फोरेसेंस पे क्या होता है, वो जो लाइट देता है, रिलीज़ करता है, वो थोड़ी देर बाद करता है, एमिट, जो लाइट एमिट करता है वो थोड़ी देर बाद करता है। तो ये तुम्हारा फॉस्फोरेसेंस, ये बेसिकली बताया मैंने कि होता क्या है फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस। जब ये कंपाउंड है फेनेंथ्रीन जो है, ये फेनेंथ्रीन अगर जब ये बेंजीन के सॉल्यूशन में होता है, तब ये ब्लू कलर का फ्लोरेसेंस दिखता है। ठीक है, तो अगर अब हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन होता है थ्रू हॉवर्थ प्रोसेस। इससे होता है थ्रू हॉवर्थ प्रोसेस, हॉवर्थ सिंथेसिस कह दो या हॉवर्थ प्रोसेस कह दो, देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, अब क्या होता है, बेंजीन, अब वैसे देखते हैं क्या होता क्या है। अब बेंजीन की रिंग है, ठीक है, बेंजीन की रिंग को जब हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ, किसके साथ, सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं, सक्सिनिक एसिड क्या होता है देखते हैं, सक्सिनिक एसिड क्या होता है, यहाँ पे ये CH2, यहाँ पे डबल मतलब एल्कोहल, सक्सिनिक एसिड क्या होता है, यहाँ पे भी एल्कोहल कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब उसका एनहाइड्राइड बनाएंगे तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा और ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड। ठीक है, अब ये जो होता है, ये फ्रेडरिकराफ एल्काइलेशन के थ्रू बनता है। पहले फ्रेडरिकराफ एल्काइलेशन से क्या होता है, पहले चलो तुम्हें मैकेनिज्म के साथ साथ दिखा देगा। ठीक, होता क्या है इसमें, इसमें होता क्या है, ये AlCl पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसकी अटैक करते हैं एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम पे क्यों अटैक करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम पे वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है, वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्सीजन का अटैक होता है इन एल्यूमिनियम पे। तो मैकेनिज्म है, ठीक है, इस पर अटैक होता है, तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह का बन जाता है कि CH2 सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड ओ और इस ऑक्सीजन पर आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और एल्यूमिनियम AlCl3। ठीक है, अब इसे इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन पर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, तो जाएगा CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CaCl3। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो ये कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है, इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यही पॉजिटिव चार्ज अटैक करता है बेंजीन की रिंग पे। यही जो पॉजिटिव चार्ज है ये अटैक करता है बेंजीन की रिंग पे, किस जगह, इस जगह, ठीक है। तो होता क्या है, बेंजीन की रिंग पे अटैक होगा, तो इनमें से किसी जगह पर दिखा देते हैं, ये है, तो इसका इस कार्बन का अटैक होगा यहाँ इस जगह, इस वाले इस तरफ अटैक होगा, चाहे इस तरफ कर देते हैं, किसी भी जगह देते हैं, मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। ये हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे इसके थ्रू जुड़ते, इसके थ्रू जुड़ जाएगा ये सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे CH2 सी डबल बॉन्ड ओ ओ और AlCl3, ठीक है। अब होता क्या है, ये है, ठीक है। अब ये ऐसी इसकी यहाँ जो बेंजीन है हमारा, ये जो बेंजीन है इसका, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी, इसमें होगी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, जो हमारा जो वहाँ से जो अल्कोहल निकलेगा, अल्कोहल यहाँ पे देख जो है अल्कोहलिक, यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन रिलीज होगा, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये है, यहाँ पर प्रोटॉन होगा एक, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो प्रोटॉन रिलीज होगा बॉन्ड, ये क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन रिलीज होगा। यही जो प्रोटॉन रिलीज होगा ये कहाँ पर आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन रिलीज होगा, ये बॉन्ड पहले, ये प्रोटॉन रिलीज होगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये बॉन्ड टूट के हार्ड, ये प्रोटॉन बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और जो प्रोटॉन रिलीज हुआ है वो इस पे आ जाएगा, मतलब इस यहाँ पर आ जाएगा, ये पहले बॉन्ड टूटेगा, AlCl3 बन जाएगा, और होगा क्या, हाँ एल्यूमिनियम पॉजिटिव आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम पे इस पर एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लिए थे, क्योंकि, ठीक है। अब क्या है, सॉरी इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा, वो यहाँ से क्या करेगा, कार्बो ऑक्सीजन है, इसको कहते हैं, इस ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को ले लेगा, ठीक है। तो होगा क्या, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, CH2 सी डबल बॉन्ड ओ OH, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। फिर क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, हम ZinCHGSCl डालते हैं, ZinCHG। तो ये अगर हम तुमने रिएक्शन पढ़ी हो, इस रिएक्शन का नाम है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, जो हमारा सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है हमारा CH2 ग्रुप में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है हमारा CH2 ग्रुप में, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऐसे ही आएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद H2SO4 डाल देते हैं, इसमें H2SO4 डाल देते हैं, H2SO4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्यूनॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था, जो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था ये क्यूनॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा, कुछ कन्वर्ट ऐसे होगा, दिखा देता हूँ, ये, और यहाँ से कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, इसमें ZinCHGSCl डालेंगे, ZinCHGSCl इसका रिडक्शन कराएंगे, इसका रिडक्शन कराने के बाद हमारा जो कंपाउंड है कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड, वाला बॉन्ड, और उसके बाद क्या होता है, इसमें पैलेडियम कार्बन डाल देंगे, जो क्या करेगा, इसको क्या बनेगा, फेनेंथ्रेसीन में कन्वर्ट कर देगा, क्या करेगा सर, फेनेंथ्रेसीन में दोबारा से कन्वर्ट कर देगा, जो करेगा सर दोबारा से फेनेंथ्रेसीन में कन्वर्ट कर देगा,
कुछ इस तरीके से, जिसे फिनेंथेसिन में कन्वर्ट। यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ये यहाँ पे, यहाँ पे, और एक ये हो गया बेंजीन के रिंग से बने नहीं है सिंपल। तो ये सिंपली बेंजीन के रिंग से बने, काट के दोबारा से बनाता हूँ, ठीक है। तो कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा, यहाँ बना सही तरीके। ये यहाँ पे बॉन्ड, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और यहाँ पे बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड यहाँ पर होगा और एक बॉन्ड, तो ये हमारा फेनथ्रेसिन बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो ये फेनथ्रेसिन है, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, जो फिनेंथ्रेसिन, इसमें मेनली एक ही रिएक्शन है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब फिनेंथ्रेसिन में जैसे हमने इसमें किसमें पढ़ा था, एंथ्रेसिन में देखा था, एंथ्रेसिन में जो कार्बोक्सिलिक अटैक होता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक अटैक नहीं, उसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो कहाँ पर होता है, 9 और 10 में होता है। सिमिलरली फिनेंथ्रेसिन में जो अटैक होता है वो कहाँ पर होता है, 9 और 10 पे ही होता है, 9 और 10 पे ही अटैक होता है। किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो 9 और 10 पे ही होता है। तो जैसे कि अगर हम इसका करें, ये हमने फिनेंथ्रीन लिया, ये हमने फिनेंथ्रीन लिया और ये लिया, ये फिनेंथ्रीन लिया। अगर इसमें इसका रिडक्शन करा दूँ, इसका मैं रिडक्शन करा दूँ सोडियम और C2H5OH की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, इसमें जो हाइड्राइड ग्रुप होंगे, मतलब कि हाइड्रोजन ग्रुप होंगे, वो कहाँ पर ऐड हो जाएंगे, 9 पोजीशन पे और 10 पोजीशन पे, ठीक है। कहाँ पर होंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से ही, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, मतलब वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर अटैक होगा, ठीक है। तो ये ऐसे इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, 9 और 10 पोजीशन पर ही होता है, कहाँ पर होता है, 9 और 10 पोजीशन कहाँ पर होगा। ये अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराऊँ, किसका, फिनेंथ्रीन का, अगर फिनेंथ्रीन का ऑक्सीडेशन कराऊँ, तो ऑक्सीडेशन जो होगा वो कहाँ पर होगा, वो 9 और 10 पोजीशन पर होगा। ऑक्सीडेशन जो होगा वो कहाँ पर होगा, 9 और 10 पोजीशन पर ही होगा। तो बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग को तीनों को फ्यूज़ करा दें ऐसे कुछ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। सो गाइज, इफ़ यू फील दिस लेक्चर गुड, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।